देखिए हम लोग जा रहे हैं, आप लोग को ले जा रहे हैं, देख सकते हैं। और ये शॉर्टकट रोड है, इस रास्ते से आपको बहुत सारे जगह में जाने को मिलेगा। क्या ही बोले गाइस, व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा। और देख सकते हो इधर अभी तक रोपा लगाए नहीं है भाई, क्या ही बोले। ये देखो रोपा लगाए, ये जो है ये नारंगी पुल है। तो ये जो नारंगी पुल है और यहीं से जो पानी जाता है और चित्रकूट में जाके गिर जाता है। इधर भाई लोग हैं, कहाँ के हो भैया आप? ओ भैया कुंडा गाँव से? मैं पल्ली से बोल रहा हूँ। पल्ली से है भैया, कुंडा गाँव से। तो फाइनली भाई साहब हम लोग पहुँच चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, फिर से आप सबका, जैसे कि टाइटल ट्रेलर थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि हम लोग कहाँ आने वाले थे। और जैसे कि देख सकते हो पीछे हमारे सामने जो है एक मंदिर देखने को मिल रहा है आपको, जो कि नारायण पाल। दोस्तों जैसे कि पीछे देख सकते हो जो विशाल जो मंदिर है आप लोगों के सामने नजर आ रहा होगा, ये है नारायण पाल का विष्णु मंदिर, जो कि बस्तर में एकमात्र विष्णु मंदिर है। और गाँव वालों के द्वारा जो बताया जाता है दोस्तों कि ये जो मंदिर है दोस्तों ये एक रात में बन के जो है तैयार किया गया है। जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से मतलब आया हूँ, और कई बार इधर से मैं गुजरता था पहले, तो उस टाइम मैं यहाँ पे आता नहीं था, बट इस बार मैं आया हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस मंदिर के बारे में। और आप लोग को बता दूँ कि जो दोस्तों ये जो मंदिर है दोस्तों ये प्राचीन काल का मंदिर है। जैसे आप लोग जानते हो प्राचीन काल के बाद मध्य काल आता है, उसके बाद अभी चल रहा है आधुनिक काल। तो तकरीबन ये 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो आप सोच सकते हो 11वीं सदी से लेकर आज अभी जो वर्तमान में चल रहा है 21वीं सदी, तो ये जो मंदिर है दोस्तों ये 11वीं सदी में बनाया गया था। तो लगभग मान सकते हो कि 1000 साल पुराना मतलब जो है ये मंदिर है। और कहा जाता है कि ये जो मंदिर है दोस्तों एक रात में बनाया गया था, और हमें तो उतना नहीं पता उस टाइम के बारे में। और उस समय जो है यहाँ पे जो छिंदक नागवंश यहाँ पे शासन करते थे, तो उस समय की रानी मुमुंद देवी द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो कि विष्णु मंदिर है। और बस्तर में आपको बता दूं कि बस्तर में जो है एकमात्र ही ये जो है विष्णु मंदिर है, जो कि बहुत ज़्यादा गौरवशाली है और बहुत पुराना है। और आप देखोगे दोस्तों इतना अद्भुत मंदिर मैंने आज तक अपने मतलब पूरे जीवन काल में नहीं देखा, और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे विजिट किया हूँ और आप लोग को दिखाया हूँ। और बता दूँ ये प्राचीन काल का मंदिर है। उसके बाद जो है मध्य काल में जानते हो बस्तर में काकतीय वंश शासन करने आए, जो कि राजा महाराजा जो बस्तर के थे उनसे भी पहले का ये मंदिर है दोस्तों, प्राचीन काल का। तो आप सोच सकते हो कितना पुराना मंदिर है दोस्तों। तो यही है वो मंदिर, और देख सकते हो कैसा है ये मंदिर। और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ मंदिर में, और आप लोग को विजिट करा रहा हूँ, और मैं पूरा दिखाऊंगा ये मंदिर में कैसा है क्या है। और देख सकते हो अभी जो है थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से धसे टाइप का हो रहा है इधर,
तो उस समय जो इस जो मंदिर बनाया गया था दोस्तों, प्राचीन काल में जब छिंदक नागवंश शासन करते थे, उस समय बस्तर को भ्रमर कोट या चक्रकोट के नाम से जाना जाता था। उस समय का ये मंदिर है और इस मंदिर के मैं बारे में पूरा आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। ये मंदिर को हर एक चीज में आपको ले जाके दिखाऊंगा। दोस्तों मंदिर के अंदर आप देख सकते हो किस तरह कैसे है, ये देखो। और ये जो मंदिर बनाया गया है वो आप देख सकते हो, यहाँ का नजारा कुछ ऐसा है। तो दोस्तों इधर दिखा दूं आपको, तो इधर जो है पत्थरों में कुछ लिखा गया है, ये देखो, देख सकते हो प्राचीन काल में लिखा गया है। और क्या क्या लिखा गया है हम थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कुछ, इसको शिलालेख कहा जाता है। इधर देख सकते हैं शिवलिंग और इधर देख सकते हो यहाँ का पूरा गार्डन बनाया गया है और काफी खूबसूरत लग रहा है भाई, क्या ही बोले। ये देख सकते हैं